हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हो केजी स्टडी। आज ग्रुप डी का एग्जाम का देखिए सारा शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपका आने वाला एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जल्दी से आइए, देख लीजिए इसका एनालिसिस, देख लीजिए कितना अटेम्प्ट। देखिए इसमें सब्जेक्ट था मैथ्स था, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग था, जनरल साइंस और करेंट अफेयर्स, ये चार सब्जेक्ट था। ठीक है, मैथ्स से था 25 और रीजनिंग जो है 30 और जनरल साइंस से 25, करंट अफेयर्स से 20। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन मैथ्स से फर्स्ट शिफ्ट में अटेम्प्ट गया है 14 to 17, सेकंड शिफ्ट में गया है 16 to 21 और थर्ड में 15 to 17। ठीक है, तो ओवरऑल 70 आप अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए मैथ्स में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों में मैथ्स का पेपर मॉडरेट गया है और जो रीजनिंग का पेपर है आउट ऑफ 30 गुड अटेम्प्ट गया है। फर्स्ट शिफ्ट में 18 to 22, सेकंड में 20 to 23 और थर्ड में 16 to 21। ठीक है, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का था। जनरल साइंस जो है आउट ऑफ 25 आपका 19 to 21, 14 to 18 और 19 to 21। ठीक है, तीनों शिफ्ट में तो लगभग 21 तक अटेम्प्ट गया है, गुड अटेम्प्ट। और इसका लेवल देखिए इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो है करंट अफेयर जो है आउट ऑफ 20 आपका गुड अटेम्प्ट गया है 13 to 15, फिर 14 to 15, फिर थर्ड वाला होगा 12 to 15। ठीक है, और तीनों शिफ्ट में आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं आउट ऑफ 100 गुड अटेम्प्ट गया है फर्स्ट शिफ्ट में 63 to 74, सेकंड में 65 to 72 और थर्ड में गया है 64 to 73। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर जो था आज का मॉडरेट। तो देखिए अभी मैथ्स का कुछ टॉपिक बताएंगे, कौन सा टॉपिक से कितना नंबर क्वेश्चन आ रहा है। SLCI जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए हैं, जो कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का है। और प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, एजेस से एक ही क्वेश्चन आ रहा है सारा शिफ्ट में। ठीक है, ये आप नोटिस कीजिए, एजेस जो है, प्रॉब्लम ऑन एजेस जो है, एवरेज जो है, ये सबसे एक ही क्वेश्चन आ रहा है जो इजी लेवल का है। टाइम एंड वर्क जो है 2 क्वेश्चन आ रहा है जो कि इजी लेवल का है। ज्योमेट्री से इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन। स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि इजी लेवल का है। ठीक है, मैथ्स का और जो टॉपिक बचा जो एवरेज है उसमें से 1 क्वेश्चन अभी बोले, DI से 2 क्वेश्चन, मॉडरेट और परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम से एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टोटल मैथ्स का पेपर जो मॉडरेट लेवल का था। अब देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग का टॉपिक है सिलॉग्स। पहली सिलॉग्स जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है सारा शिफ्ट में, जो कि इजी लेवल का है। ठीक है, सिलॉग्स अभी बहुत इजी पूछा जा रहा है, तो टेंशन ना लीजिए। और वेन डायग्राम जो है उसमें से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तीनों शिफ्ट में देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया है इजी लेवल का। ठीक है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इजी लेवल का है। मिरर इमेज 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इजी लेवल का। ऑड वन आउट 4 क्वेश्चन पूछा गया है इजी लेवल का है। कोडिंग डिकोडिंग जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, एनालॉजी जो है 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इजी लेवल का है। और सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी इजी लेवल का है। और देखिए डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है इजी लेवल का क्वेश्चन, कैलेंडर से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ओवरऑल देखिए अच्छे से, रीजनिंग का पेपर बहुत इजी था, आज का पेपर बहुत इजी पूछा गया है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन पूछा गया जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का था। काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन पूछा गया जो कि इजी लेवल का था। तो टोटल पेपर जो था इजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है, ओवरऑल जितना टॉपिक था रीजनिंग का बहुत इजी पूछा गया है। जीएस देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में 8 से 11 क्वेश्चन आया था फिजिक्स से। ठीक है, जो कि इजी था। तीनों शिफ्ट में 8 से 11 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इजी लेवल का है। केमिस्ट्री जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, 7 से 9 क्वेश्चन पूछा गया है तीनों शिफ्ट में। और बायोलॉजी भी तीनों शिफ्ट में 7 से 11 क्वेश्चन पूछा गया, जो कि इजी लेवल का है। ठीक है, तो जी भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था। देखिए कितना किस टाइप का क्वेश्चन आया था आज, हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो देखिए जल्दी से।
व्हाट डज आई स्टैंड इन नीति, नीति आयोग जो है उसका आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशन, इसका आंसर है इंस्टीट्यूशन। हु इज द सीईओ ऑफ पेटीएम, पेटीएम का सीईओ कौन है, हम आपको रोज बताते हैं, ठीक है, रोज आप नोटिस कीजिए सीईओ का एग्जाम में सीईओ का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर दे रहा है, ठीक है, कभी पेटीएम, कभी एप्पल, कभी अमेजन, कभी नोकिया, कभी सैमसंग, तो देखिए सीईओ आप पढ़ लीजिए सारा सारा चीज का, सारा ऑर्गेनाइजेशन का आप देख लीजिए। सीईओ पेटीएम का सीईओ कौन है, विजय शेखर शर्मा। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर। हु हैज गॉट द हिंदी प्राइज 2017 में हिंदी प्राइज किनको मिला है, कृष्णा सोबती जो है हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लेयर मेड 3 डबल सेंचुरीज इन ओडीआई, ओडीआई क्रिकेट में कौन डबल सेंचुरीज बनाए, कौन प्लेयर, रोहित शर्मा, ठीक है। हु इज द विनर ऑफ फीफा 2018, फीफा 2018 का विनर कौन है, फ्रांस, ठीक है, और कौन हार गए, कौन, क्रोएशिया, ठीक है, ये याद रखिए फीफा 2018 में जीते हैं फ्रांस और जो हार गए हैं, हारने वाले देश जो है वो है क्रोएशिया। हु इज द एम्बेसडर ऑफ गुजरात, गुजरात का एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन। हु इज द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नर से क्वेश्चन फिर आया है, तो गवर्नर सीएम, फिर से हम आपको बोल रहे हैं गवर्नर सीएम अच्छे से पढ़िए, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर पूछा गया है जो कि सत्यपाल मलिक है, ठीक है, ये कहाँ के गवर्नर थे, बिहार के थे, अभी चेंज हो गया है, तो नोटिस कीजिए जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर है सत्यपाल मलिक। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, ये कौन बोले थे, किसका स्लोगन था ये, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखिए, हु हैज पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ नेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, एनसीसी का हेड कौन है, नेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड कौन है, जिल एवो ओसुजी, ठीक है, जिल एवो ओसुजी। हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर, मणिपुर का न्यू गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। हु अमंग द फॉलोइंग ओन ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड, ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो कौन जीते हैं, सलमान खान जीते हैं, ठीक है। व्हिच क्रिकेट कोच रिजाइन रिसेंटली, अभी कौन क्रिकेट कोच रिजाइन दिए रिसेंटली, तुषार अरोथ। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर होल्ड फ्लैग एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट कर रहे क्या, रेड फोर्ट, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था उसमें से आंसर होगा रेड फोर्ट। व्हाट इज द एरिया ऑफ गुजरात, गुजरात का एरिया क्या है, 1,6,19,624 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आप सारा स्टेट का एरिया भी देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें पूछ दिया तो आप जरूर पढ़ लीजिए एक बार। वेयर इज द इंडियन डिफेंस अकेडमी, इंडियन डिफेंस अकेडमी कहाँ पे है, पुणे पे है। वेयर इज द काजीरंगा नेशनल बायोस्फीयर, आसाम में है काजीरंगा। रिहान डैम, डैम से फिर क्वेश्चन आया है, ऑन व्हिच रिवर, रिहान डैम जो है वो कौन से रिवर के ऊपर है, सोन रिवर। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट होता है, 7 अप्रैल। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम इलेवन, महेंद्र सिंह धोनी। हु हैज गिवन द ऑर्डर टू क्रिएट जीटी रोड, हु हैज गिवन द ऑर्डर, ठीक है, कौन दिया था ऑर्डर क्रिएट करने के लिए जीटी रोड, शेर शाह सूरी। खुल्लम खुल्ला इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसका ऑटोबायोग्राफी था, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर का, ठीक है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ बाहुबली फिल्म का डायरेक्टर कौन है, एस एस राजामौली। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 6 अगस्त 1952, ठीक है, और ऑपरेशन इंसानियत इज रिलेटेड विथ होम, ऑपरेशन इंसानियत रिलेटेड टू हेल्प रोहिंग्या रिफ्यूजीज, जो रिफ्यूजीज है रोहिंग्या इन बांग्लादेश, वो लोग को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन इंसानियत प्रोड्यूस हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आए हैं, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियल,
दीपिका पादुकोण। आफ्टर वीरेंद्र सेवक हु हैज मेड 300 रन्स फ्रॉम इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट, करुण नैयर। व्हिच लाइन क्रॉसेस इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हिच लाइन क्रॉसेस इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट देखिए, हु इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मनेका गांधी, मनेका संजय गांधी बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री से बिलोंग करते, किस चीज का मिनिस्टर है मनेका संजय गांधी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नरगिस दत्त गॉट द अवार्ड फॉर विच फिल्म, नरगिस दत्त कौन सा फिल्म के लिए अवार्ड मिला है, धप्पा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बर्धमान। ठीक है, न्यूली फॉर्म हुआ है, न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वेस्ट बर्धमान। तो ये सारे क्वेश्चन आज का पेपर में था। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपको हेल्प करने के लिए।